अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निकाल शेख ब्लॉग्स। और अभी रात के बज रहे हैं 12, सैटरडे नाइट है, रात के 12 बज रहे हैं और पैकेज ख़त्म हो गया हुआ है। अब मैं पैकेज लगवाने जाऊंगा। एक्चुअली मैं डे टाइम में इस तरह इसलिए नहीं लगवाता, मतलब मैं लगवाता हूँ हफ्ते की रात 12 बजे के बाद। तो उससे होता क्या है कि एक दिन इजाफी मिल जाता है। आप पूछेंगे कैसे, अगर मैं जैसे हफ्ते को लगवा लूँगा ना तो वो जुमे की रात को 12 बजे ख़त्म हो जाएगा। इतवार यानी कि अभी इतवार हो जाएगा, 12 बजे के बाद 2-4-5 मिनट पर इतवार हो जाएगा। तो आप पैकेज लगाऊंगा और फिर वो हफ्ते की रात को खत्म होगा। इसी तरह मैं हफ्ते की रात को 12 बजे के बाद लगाता हूँ पैकेज, तो मतलब एक दिन ज्यादा मिल जाता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जी अभी मैं पैकेज लगवा के आता हूँ, उसके बाद मैं नहा के फ्रेश होता हूँ, खाना मैंने खा लिया हुआ है और नहा के मैं फ्रेश होता हूँ। फ्रेश होने के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ और बताता हूँ आज नाइट मतलब मैं क्या स्पेंड करने वाला हूँ और मेरे घर वाले किधर हैं आज। एक्चुअली मैं रूम में बिल्कुल अकेला हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अपनी नाइट, क्या बोलेंगे इसे, रूटीन नहीं, नाइट रूटीन नहीं, मतलब घर वाले हो तो तब तो ये रूटीन नहीं होती, अदरवाइज अकेला हूँ। तो चले आज की रात आपके साथ मिलता हूँ फ्रेश होके। जी फ्रेंड्स, तो मैं नहा लिया हूँ, पैकेज मैंने लगा लिया, पैकेज लगाने के बाद आके नहा के फ्रेश होके सब मैं आ गया हूँ वापस अपनी जगह पर। आप लोग सोच रहे होंगे यही बैकग्राउंड क्यों दिखाया जा रहा है, क्यों दिखाया जा रहा है। एक्चुअली लाइट सामने लगी हुई है तो इस वजह से, अगर मैं इस तरह से करता हूँ तो इधर ये देखें ये लाइट लगी हुई है और कोई लाइट नहीं है, तो यहाँ से फिर लाइट वीडियो सही नहीं आती, इसलिए मुझे यहाँ पर आ जाना पड़ता है। ठीक हो गया, तो नहाया हूँ ठंडे पानी से, रात का तकरीबन 2 बज रहे हैं, तो मेरा मन हो रहा है सेवैयाँ खाने का, फेनिया जिसे कहते हैं, सेवैयाँ या फेनिया आप जो भी बोल लें वो खाने का। और बनी हुई है, एक्चुअली बनाई थी मैंने, तो वो फ्रिज में रखी हुई है, मुझे गरम खाने का मन हो रहा है तो पहले उसको गरम कर लेते हैं। सुने ये शुक्र है गैस तो आ रही है, लेकिन बहुत थोड़ी आ रही है, बहुत हल्की। उधर ना दूसरे साइड पे मेरे अम्मी अब्बू पेरेंट्स यानी कि मेरे और मेरे बहन भाई वगैरह हैं, उन्हें नहीं पता मैं रात को इस वक्त तक जाग रहा हूँ, तो इसलिए वहाँ पर ज़रा मैं आहिस्ता बोल रहा था। और चलें अब गर्म करते हैं फिर खाते हैं। फ्रिज की ठंडी गरम खाऊंगा। चूल्हे को अवॉइड कीजिएगा, बहुत गंदा हो रहा है। जी पता नहीं कैसा टूटा फूटा सा ब्लॉग बन रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही है। मैं बहुत उदास हूँ, बहुत परेशान, टेंशन में, इस वजह से शायद थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जी प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली बात पता है क्या, मैंने ना लाइफ में प्लानिंग तो बहुत सारी की है, लेकिन
किया कुछ नहीं है, मतलब मेहनत भी की है, हार्ड वर्क किया है, लेकिन शायद स्मार्ट वर्क नहीं किया। ठीक है, मुझे डिजाइनर बनना था, एक यानी कि थी होप होती है ना लाइफ में, कुछ करना है कुछ करना है। मुझे मशहूर होने का शौक था कि मशहूर होना है, पैसा कमाना है। जब मैं सेलिब्रिटीज को देखता हूँ ना, फिल्मों के ड्रामों के एक्टर, जब मैं छोटा होता था देखता था, मुझे बड़ी अच्छी लाइफ लगती थी इन लोगों की। तो आई नो कि मेरी हाइट, मेरा जिस्म की वजह से मैं नहीं हो सकता, और जाहिर सी बात है इसके लिए तो पता नहीं क्या कुछ चाहिए होता है एनीवेज। लेकिन जब नहीं कर सके तो मुझे वो यार सोशल मीडिया का ज़माना है, चलो कुछ फील्ड भी इस तरह की है जहाँ मैं जॉब करता हूँ, तो डिज़ाइनर बनते हैं, ऐसे मशहूर हो जाएंगे। मैंने काम भी सीखे बहुत सारे, मतलब थोड़ी बहुत स्टिचिंग, मशीन एम्ब्रॉयडरी, हैंड एम्ब्रॉयडरी, जरी वर्क सब सीखा। मैंने सामान भी इकट्ठा किया ये वाला अपना सारा, जैसे कह लो कि लड़कियां कमा के जहेज बनाती हैं ना, तो मेरी जो पॉकेट मनी होती थी ना घर वालों को सैलरी देने के बाद, तो मैं वो अपनी चीज़ें जोड़ता था। मैंने अपनी सिलाई मशीन ली, जोकी मशीन, मैंने अपनी मशीनी कढ़ाई वाली जो होती है वो मशीन मैंने ली, मैंने अड्डे लिए ये जो जरी वर्क का जिसपे काम होता है, सलमा सतारा, मतलब मैं शादी से पहले करना शुरू कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था मैंने। फिर शादी हो गई और फिर क्योंकि घर में ही करता था तो नहीं कर सका, सारा सामान उठा के बांध के रख दिया गया। और अब जो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं फाइनेंशियली, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा चल रही, बोला भी नहीं जा रहा। सब लाइफ में जो है ना, मतलब हाथ इतना तंग हुआ है, इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं कि समझ नहीं आ रही है। जो चीज़ें जुड़ी हुई थी, मैंने बनाई थी ना, जैसे मैंने आपको बताया, वो मैं बेचनी पड़ रही हैं। अभी रिसेंटली ईद पे मैंने बेचा अपनी सिलाई मशीन, जो कि मतलब बहुत दिल दुखा उसे बेचते में, लेकिन मजबूरी थी, एक रुपया नहीं था जेब में। ईद थी, हफ्ते की ईद थी, तो जुम्मे को जो है मैंने सेल की है वो मशीन। आप लोग सोच नहीं सकते हो, मतलब इतनी तकलीफ हुई ना, जब आपने एक एक रुपया जोड़ के अपनी जेब से कुछ खरीदा होता है, ये सोच के यार हम इससे पैसे कमाएंगे, हम इससे मतलब आगे मजीद तरक्की करेंगे, हम यूँ करेंगे, और फिर उन किसी वजह से ना कर सको, उन चीज़ों को वापस बेचना पड़े ना। मुझे यह था, मैं अपने औजार कहता हूँ मैं, कि ये औजार हैं हमारे, ठीक है, जो काम आप लोग करते हो ना, जो भी आप लोग काम करते हो, तो उसमें जो चीज़ें टूल्स इस्तेमाल करते हैं ना, वो आपके औजार हैं। तो मुझे यार अपने औजार नहीं बेचने चाहिए, काम आते हैं लाइफ में कभी ना कभी, लेकिन अब सर पे ऐसी बड़ी मजबूरी आई तो सेल करना पड़ गया। मैं बहुत तकलीफ हुई बेचते हैं, पता नहीं बहुत ज़्यादा, मैं रोया नहीं किसी के सामने, लेकिन ना बहुत दिल दुखा मेरा।